बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से लगातार ऑर्डर मिल रहे थे। ये ऑर्डर उसे मोबाइल के कुछ मैसेजेस ऐप के जरिए मिल रहे थे। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि इस हत्याकांड को सलमान खान और मुंबई में डर पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्याकांड के जरिए दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहता था और साथ में अंडरवर्ल्ड को भी संदेश देना चाहता था। बारह अक्टूबर को मुंबई का बांद्रा इलाका गोलियों से गूंज उठा। उस शख्स को निशाना बनाया गया जिसका कनेक्शन माया नगरी मुंबई में हर एक तबके के साथ था। बाबा सिद्दीकी को मारने का यही मकसद था ताकि लॉरेंस बिश्नोई, जिसका आतंक अब तक उत्तर भारत के राज्यों में था, वो आतंक, वो दहशत माया नगरी मुंबई में भी स्थापित हो जाए। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि पहला मकसद था सलमान खान को डराना, दूसरा मकसद था माया नगरी मुंबई में दहशत फैलाना, तीसरा मकसद था दाऊद इब्राहिम तक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मैसेज पहुंचाना और सीधे दाऊद इब्राहिम को चुनौती देना। वहीं चौथा मकसद था अंडरवर्ल्ड पर अब लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का जमाना। इसी साल जनवरी के महीने में न्यूज 18 इंडिया ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े ऑपरेटर गोल्डी बराड से फोन पर बात की थी और उसमें गोल्डी बराड ने साफ कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद के दोस्त नहीं, मौका मिलेगा तो दाऊद को भी मार देंगे। सुनिए जब आनंद तिवारी ने गोल्डी बराड से बात की थी। क्या दाऊद इब्राहिम से आप लोगों के कोई ताल्लुकात हैं या आपके दुश्मन हैं दाऊद इब्राहिम डी कंपनी? सर ये हमारा दाऊद के साथ कोई संबंध नहीं है जी, वो एक आतंकवादी है जिस शहर में इतने साल रहा है, खाया पिया उसने मुंबई में, उसी शहर को आग लगा के चला गया। ऐसे बेकार बंदों के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है जी, कभी उसको मारने में नाम आ सकता है हमारा, पर हमारी दोस्ती कोई नहीं होगी उसके साथ कभी भी जी। जो बंदा जिस शहर में इतने साल रह के खा पी के वहां का नहीं हो सकता, उस बंदे में क्या होगा जी। पुलिस के शुरुआती जांच में सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी जीशान अख्तर शूटर गुरमेल को लॉरेंस गैंग में लाया। पटियाला की जेल में जीशान और गुरमेल मिले थे। वहीं से ये भी सामने आया कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर ऑर्डर मिल रहे थे और ये ऑर्डर शिव कुमार बाकी शूटरों को दे रहा था। शूटरों को पता था बाबा सिद्दीकी को क्यों मारना है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल सभी शूटर पिछले 28 दिन में 5 बार बाबा सिद्दीकी के घर और उनके दफ्तर की रेकी कर चुके थे। वो घंटों बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर पर मौजूद रहते थे। इस पूरे ऑपरेशन को फरार चल रहा शिव कुमार लीड कर रहा था और वही बाकी शूटरों को सारे आदेश दे रहा था। शिव कुमार को इस हत्याकांड के बाद उज्जैन जाना था, वहाँ पर उसे लॉरेंस बिश्नोई के किसी खास दुर्गे से मुलाकात करना था। उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला शूटर शिव कुमार गौतम फरार है। उसी ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की थी। उसके दो साथी धर्मराज और गुरमेल पकड़े गए लेकिन वो फरार हो गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात के समय चौथा आरोपी जीशान अख्तर, जो लॉरेंस गैंग से जुड़ा है, वो मुंबई में नहीं था और मुंबई के बाहर से पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इसके अलावा पुणे में शुभम लोडकर, जिसने लॉरेंस के नाम से पोस्ट शेयर की थी, उसने शूटरों को जगह दी थी और उसका भाई प्रवीण लोणकर शूटरों को मुंबई तक ले गया। शूटरों को शुभम लोणकर ने ही पैसे दिए थे। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई ने सारा ताना बाना बुना, जिसका मकसद न सिर्फ सलमान खान को चेतावनी देना था बल्कि माया नगरी मुंबई में कारोबारियों को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों तक दहशत फैलाने की कोशिश और अंडरवर्ल्ड में सिक्का जमाने के साथ ही दाऊद इब्राहिम को संदेश देना है कि मुंबई का डॉन कौन है। और आइए बढ़ते हैं आगे। नोएडा की खबर आपको बताते हैं जहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर एक 9 साल की बच्ची अपने घर पर झूला झूल रही थी, तभी उसके साथ अनहोनी हो जाती है और बाद में उसकी जान चली जाती है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
नोएडा से हर माता पिता को सावधान करने वाली ये खबर सामने आई है, जहां 9 साल की मासूम अपने छोटे भाई के साथ खुशी खुशी झूला झूल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत की खबर आई। नोएडा के सेक्टर 45 के सदरपुर कॉलोनी की ये घटना है, जहां 9 साल की नाजिया अपने 5 साल के भाई के साथ छत पर गई थी। माँ के दुपट्टे से झूला बनाया था, नाजिया झूला झूल रही थी, लेकिन झूलते समय बच्ची अचानक पलट गई और दुपट्टा उसके गले पर कसता चला गया। उसका भाई बहुत छोटा है, लिहाजा उसे तो समझ ही नहीं आया होगा। बाद में नाजिया की दर्दनाक मौत हो गई। जब तक उसके माता पिता को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाजिया की दम घुटने से जान जा चुकी थी। थाना क्षेत्र सेक्टर 45 के अंतर्गत एक घटना दुखद रूप घटित हुई, जिसमें कि एक 9 वर्षीय बच्ची है जो अपने छोटे भाई के साथ में झूला झूल रही थी। झूला झूलने के लिए उसने अपने घर में ही छत से एक दुपट्टा जो होता है उसी का एक झूला बना रखा था, और जिसमें बच्चे घूम करके और फिर दोबारा वो उसको छोड़ देते हैं फ्री करके, और अपोजिट साइड में फिर वो घूमते हैं, और इसी क्रम में वो बच्ची झूल रही थी और ये दुखद घटना घटित हुई, जिसमें कि उसकी गर्दन फंस गई और वो छोटे भाई के द्वारा बाद में परिजनों को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार को सौंप दिया गया। नोएडा की ये घटना एक सबक है, जहां बच्ची की खेल खेल में जान चली गई। छोटे बच्चे होते हैं, अबोध बच्चे होते हैं, उन्हें एक छोटी सी चीज को देख करके उससे वो कितना खुशी उनको मिल सकती है, उनका ध्यान केवल उसी पर केंद्रित रहता है। वो जीवन के लिए कितना घातक हो सकता है, उसके निगेटिव फैक्टर्स क्या हैं, ये उसको अनुमानित नहीं कर पाते हैं। तो सभी परिजनों से मेरा एक अनुरोध है आपके माध्यम से कि ऐसी चीज़ों से बच्चों को सावधान रखें और ऐसे उपकरणों को, ऐसी चीज़ों को घर में लगाने से बचें कि जिसका बच्चे नासमझी में कहीं पर दुरुपयोग हो सकता है। जब तक छोटा भाई 5 वर्षीय को समझता तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि परिवार अस्पताल लेकर भागा, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम हो गया है और फिलहाल अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके की यह घटना है, कहीं ना कहीं परिवारों के लिए सचेत करने वाली है कि बच्चे चुन्नी और दुपट्टे से अगर खेल रहे हैं तो उन पर नजर जरूर बनाए रखें। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा। नोएडा के बाद अगली खबर कौशाम्बी से, जहां पर एक लड़की ने अपने प्रेमी के घर पर जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रही इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, शांति भंग में चालान भी कर दिया है इसका। कोर्ट में भी लड़की ने बहुत ड्रामा किया है, फिलहाल लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। ये मामला पैंसा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक गाजीपुर की रहने वाली एक लड़की ने पैंसा इलाके के लड़के से कोर्ट मैरिज की थी। कुछ दिनों पहले लड़का अपने घर आ गया और उसने लड़की से साथ रहने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज लड़की ने हंगामा कर दिया। शादी करने के बाद फिर मेरे साथ एक महीना नैनी खरकोनी में रहा। जब उसको पता चला कि मुकदमे में फार लग गई, वो छोड़ के भाग गया। फिर मैं उसके घर आई थी, मैं उसके घर गई थी, वहाँ पे पुलिस गई थी। पहले मैं थाने गई, थाने से एप्लीकेशन दिया, मैं उसके घर गई। उसके घर गई तो वहाँ मुझे पुलिस पकड़ के ले आई, तो फिर यहाँ पे ये कचहरी में ले आके खड़ा करी है और मुझे 151 में चलान कर रही है, कह रही है कि जमानत दो तो तुम जाओ यहाँ से। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं ऑल वेदर रोड की दुर्दशा के कारण पिथौरागढ़ और चंपावत की कनेक्टिविटी लंबे समय से प्रभावित है। वहीं हेली सर्विस ने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। बॉर्डर के दोनों जिलों में चल रही हेली सर्विस बीते 10 दिनों से बंद है। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर की आवाजाही आसान बनाने में हेलीकॉप्टर सर्विस खासा अहम रोल अदा कर रही थी। हेरिटेज एविएशन के हेली की मदद से पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि चंपावत और मुनस्यारी के लोग भी आसानी से हल्द्वानी पहुंच रहे थे। लेकिन बीते 5 अक्टूबर से हेली सर्विस पर पूरी तरह ब्रेक लगाए, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। दूरदराज के इलाके हैं, गंभीर मरीज कई बार उनको जल्दी पहुँचाना होता है हेल्थ सेंटर,
और उसके अलावा ये त्योहारी सीजन है, इस समय ये हेली सेवा अगर बंद है तो ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ी असुविधाजनक बात है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नेशनल हाईवे है वो भी बीच बीच में दिक्कत रहती है उसमें भी। दो जिलों के लोगों के साथ ही ये हेली सर्विस आदि कैलाश यात्रियों के लिए भी खासी मददगार साबित हो रही थी। जो सैलानी रोड का पहाड़ी सफर 7 घंटों में तय कर यहाँ पहुँच रहे थे, हेली की मदद से उनका ये सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो रहा था, लेकिन तकनीकी कारणों से हेली सर्विस बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। असल में चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहीं जाने वाली ऑल वेदर रोड लंबे समय से खराब है, जिस कारण लोगों की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। हेली सेवा के संबंध में ये चूंकि डीजीसीए के स्तर से कोई जो रूटीन इंक्वायरी और बाकी सबका मामला था, तो मेरी इसमें पहले भी जैसा कि मैंने बताया था कि जो इनके कंपनी के ऑफिसर से उनसे लगातार बात चल रही थी, अगले कुछ दिन में निश्चित ही ये हेली सेवा फिर से प्रारंभ हो जाएगी। हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं चलने से मुनस्यारी का पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। असल में बरसात के बाद मुनस्यारी में जमकर टूरिस्ट पहुंचते हैं, लेकिन हेली सर्विस के बंद होने से पर्यटन कारोबारियों को खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब लोग टकटकी लगाकर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हेलीकॉप्टर सर्विस एक बार फिर से शुरू होगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।